देवी पीठ। कालिका पीठ का मुख्य स्थान कोलकाता की काली देवी को माना जाता है, परंतु कुछ केश यहाँ चंडीगढ़ के पास स्थित इस स्थान पर भी गिरे माने जाते हैं। अतः इसे भी माँ काली की सिद्ध पीठ का दर्जा प्राप्त है। माता के चमत्कारों के कारण इसकी मान्यता बहुत अधिक है। यह मंदिर कालिका जी के नाम के नगर में स्थित है। प्राचीन काल में इस मंदिर में एक बार भगवती जागरण हो रहा था, जिसमें माँ स्वयं सुंदर स्त्री के रूप में अन्य स्त्रियों के साथ कीर्तन कर रही थी। महाराजा जय सिंह देव भी वहाँ थे और वे भगवती पर मोहित हो गए और उनसे विवाह प्रस्ताव रख दिया। इस पर भगवती ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि तेरा पूरा सर्वनाश हो जाए और वे अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात मंदिर में गर्जन होने लगा, मंदिर पृथ्वी में धंसने लगा और मूर्ति भी पर्वत में प्रवेश करने लगी। मंदिर के पिछले भाग में रहने वाले महात्मा ने माता से विनती की और कहा, माँ क्षमा करो। तब मूर्ति पहाड़ के साथ उसी अवस्था में रह गई। आज भी देवी का केवल सिर ही दृष्टिगोचर होता है। तत्पश्चात राजा एवं उसका पूरा राज्य नष्ट हो गया। वर्तमान कालिका नगर अनेक वर्षों के उपरांत बसा माना जाता है। मंदिर एक पहाड़ी की तलहटी में सड़क के किनारे अवस्थित है और दो मंजिला है। मंदिर के ऊपर तीन शिखर हैं, जिसमें मध्य का बड़ा और दो छोटे शिखर हैं। नीचे की मंजिल में माता का मंदिर है और पिंडी के रूप में उनके दर्शन होते हैं। पर भक्तों ने माँ काली की बड़ी तेजस्वी मूर्ति यहाँ पर स्थापित कर दी है। दिल्ली से सीधी रेल कालिका स्टेशन तक जाती है। अन्य नगरों से भी रेलगाड़ियाँ कालिका स्टेशन तक जाती है। कालिका स्टेशन इस कारण महत्वपूर्ण है कि यहाँ से नैरो गेज रेल शिमला तक जाती है। सड़क मार्ग से यह नगर चंडीगढ़ से मात्र 24 किलोमीटर दूर है। पंजाब के अन्य प्रमुख नगरों से भी यह स्थान सड़क मार्ग से जुड़ा है। ठहरने हेतु एक शासकीय धर्मशाला ही है। नगर छोटा है, अतः होटल और लॉज आदि की व्यवस्था अल्प ही है। तीर्थयात्री चंडीगढ़ ठहर कर यहाँ दर्शन करने सरलता से किसी भी वाहन द्वारा आ जा सकते हैं। इसी